नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं एसो पंच नमुक्कारो सर्व पावप्पणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। इसमें इस स्वाध्याय में तत्व ज्ञान तरंगिणी नाम का सतशास्त्र उसकी संक्षिप्त विचारणा करेंगे। इसके दो चैप्टर के तीन तीन श्लोक हो सकेंगे समय की मर्यादा में। मगर उनकी अर्थ घटन की क्रिया में सब शास्त्रों का सार अपने को ख्यालात में आवे, समझ में आवे, श्रद्धा में आवे, अंतर में उतरे, ऐसा प्रयत्न करेंगे। जिसका जितना उद्यम होगा, जागृति होगी, सिंसियरिटी होगी, उतना उसको लाभ मिलेगा। इस ग्रंथ की रचना करीब 450 साल पहले 16वें शताब्दी में हुई है। रचयिता परम भट्टारक श्री ज्ञान भूषण जी महाराज है, जिनके गुरु के गुरु ये युग पुरुष हो गए। इनका नाम था सकल कीर्ति आचार्य, जिनका जन्म हुआ अणहिलपुर पाटण में, और उनका नाम था कर्म सिंह, और छोटी वय में 18-19 साल की उम्र में उन्होंने गुरु त्याग करके बड़ा पुरुषार्थ किया। पुरुष प्रमाण वचन प्रमाण, और वचन प्रमाण पुरुष प्रमाण, बायलेटरल डायरेक्शन ये इक्वेशन चलती है। गुरुगम से कभी जानना, बाय डायरेक्शनल रिएक्शन होता है ना, पुरुष प्रमाण वचन प्रमाण और वचन प्रमाण पुरुष प्रमाण। यहां आकर और चीजों का विचार नहीं करना और बातें नहीं करना, आहार आदि की व्यवस्था व्यवस्थापकों ने की है, कुछ कम मिला, कुछ ज्यादा मिला, कुछ न मिला, तो भी सहनशीलता बढ़ाने के लिए, समता का अभ्यास करने के लिए जो सूत्र दिया ज्ञानियों ने, चाल से फावशे भावशे गमशे, सम्यक दृष्टि की उत्तम मुमुक्षु की यह एक परमानेंट पॉलिसी रहती है। इसकी यह परमानेंट पॉलिसी रहती है, मुनासिब है यही दिल पे जो कुछ गुजरे उसे सहना, न कुछ किस्सा न कुछ झगड़ा न कुछ कहना न कुछ सुनना। बाहर में सुख दुख मान अपमान भूख तरस वो तो आएंगे ही, जैसे जैसे पूर्व कर्म बांधे हैं वैसे उदय में आएंगे, उस समता रखना, ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करने पड़ेगा। अंग्रेजी में कहते डोंट बी अपसेट, डोंट बी अपसेट,
रिमेन सेट, सेट मीन्स समता में रहने का प्रयत्न करो, इक्वेनिमस रहो, माइंड को ट्रैंक्विल रखो। तो आठ और नौ दो अध्याय है, उसमें पहला अध्याय जो है उसमें भेद ज्ञान की आवश्यकता बताते हैं, और दूसरे अध्याय में माने नौवें अध्याय में वो भेद ज्ञान की सिद्धि के लिए मोह का घटाना, मोह का नाश तो यथापद भी हो सकता है, मोह का नाश यथापद भी होता है। तो ये पुस्तक जो जिसका आधार लिया जा रहा है वो अगास आश्रम गुजरात से प्रकट हुआ है। फिलहाल उसकी उसका बैकग्राउंड तैयार होगा और एक आध श्लोक होगा। पूर्व भूमिका के रूप में परम तत्वनिष्ठ श्रीमद् राजचंद्र जी के कुछ वचनामृत को यहां पर उद्धृत किया। पृष्ठ संख्या इसमें 146 है। शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति में ना क्या, निश्चय रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति, आत्म ज्ञान की, शुद्ध आत्म ज्ञान की प्राप्ति, निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मोह ग्रंथि का भेद होना, स्व संवेदन ज्ञान प्रकट होना, इसके हजारों नाम है। इसको परमात्म दर्शन भी कहो वादा नहीं, आत्म दर्शन भी कहो तो वादा नहीं, अविद्या का नाश कहो तो भी वादा नहीं, और परमार्थ मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का प्रारंभ कहो तो भी वादा नहीं, कुछ भी कहो। नाम से अपना मतलब नहीं है, काम से मतलब है, नाम से मतलब ज्यादा नहीं है, काम से मतलब है। हिंदी करके पढ़ेंगे उसका, उसकी पूर्व भूमिका बताइए, इसका बयान नहीं करेंगे, सिर्फ वांचन करेंगे, क्योंकि ये तो प्रासंगिक उद्धृत किया गया है। सर्व क्लेश से और सर्व दुख से मुक्त होने का उपाय एक आत्मज्ञान है। सुविचार के बिना आत्मज्ञान होता नहीं, और असत्संग और असत प्रसंग से जीव को सुविचार बल प्रगटता नहीं है, इसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। अपना अनुभव है, ध्यान करने के लिए, सामायिक के लिए, भक्ति के लिए बैठते हैं तो प्रामाणिक रूप से बैठते तो हैं कि मुझे भक्ति ही करना है, सामायिक ही करना है, ध्यान ही करना है, मगर दो चार मिनट में क्या 10-20 सेकंड में दूसरे कुछ विचार आ जाते हैं। देखो अपना अनुभव, देखो विचार करने के लिए बैठे थे, भगवान का स्मरण के लिए बैठे थे, सदगुरु का स्मरण करने के लिए बैठे थे, आत्म तत्व के गुणों का विचार करने के लिए बैठे थे, मगर दूसरे विचार आते हैं। क्यों? तो कहते असत संग और असत प्रसंग, इनका परिचय जब तक हम करते रहेंगे तो उस तादाद में हमको कुविचार, अविचार, प्रतिबंधक विचार, पाप का आश्रव करने वाले विचार आएंगे। इसलिए असत्संग असत प्रसंग कम करना। अभी फिलहाल बताया पत्रांक 636 में, वहां से उसकी बात समझ लेना। आगे कहते हैं आरंभ परिग्रह का अल्पत्व करने से असत संघ का बल घटता है, और असत संघ का बल घटने से आत्मविचार होने का अवकाश प्राप्त होता है, और
सही रूप से आत्मविचार होने से आत्मज्ञान की उत्पत्ति होती है। आत्मसिद्धि में भी इसका बयान है और समय सार गाथा 144 में भी इसका बयान है और इस को अनुसरते हुए समय सार नाटक में भी इसका बयान है। ज्ञा प्रगटे सुविचारणा क्या प्रगटे निज ज्ञान जे ज्ञाने क्षय मोह थे पामे पद निर्वाण। मूल समयसार और आत्मख्याति में इसका बहुत वैज्ञानिक उच्च स्तरीय वर्णन है, मुमुक्षुओं को स्वयं देखना चाहिए गुरुगम से और सत्पात्रता सहित। अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करने के अधिकारी पहले बनना चाहिए, बाद में अध्यात्म शास्त्र अपने को सही रूप से उपकारी होते हैं। समयसार नाटक में उसका बयान किया, संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध कीनो है। संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध कीनो है। तो ऐसा प्रयत्न करना। आगे, कोई भी तथारूप योग को प्राप्त करके एक क्षण भी अंतर्भेद जागृति हो जाए तो उस साधक को मोक्ष विशेष दूर नहीं है। अन्य परिणामों में यानी शुभ अशुभ परिणामों में जितनी तादात्म वृत्ति है उतना जीव से मोक्ष दूर है। वो शास्त्रीय पद्धति से लिखा है, जितनी मोहाशक्ति हमारे में है उतना मोक्ष हमसे दूर है। मोक्ष प्राप्त करना है तो मोह को घटाओ, और मोह को जितना घटाएंगे उतना मोक्ष के नजदीक पहुंचेंगे। दोनों की दुश्मनी है। मेरा शिष्य, मेरा शास्त्र, मेरा संप्रदाय, मेरा मंदिर, मेरी संस्था, मेरा शरीर, मेरे लड़के, मेरी कंपनी, मेरा प्रॉफिट, अगर मेरा तो नहीं छूटेगा, अभी मेरा तो तीन ही है, मेरे परमात्मा, मेरे सदगुरु और मेरा शास्त्र, मगर वो भी अवलंबन है, वो आवश्यक अवलंबन है, वो प्रेरक अवलंबन है। बच्चा 10-11 महीने का जब चलने को सीखता है तो एक दो पांव लगाते फिर गिर जाता है, इसलिए आप उसको वो कुछ चालन गाड़ी वगैरह ला करके देते हैं, नहीं तो उसको कहते देखो सोफा सेट को पकड़ो चलो। और बाहर जाते हैं तो मम्मी पापा या उसके भाई की, बड़े भाई की अंगुली पकड़ के चलता है। प्रारंभिक भूमिका में देवगुरु धर्म का अवलंबन अनिवार्य है, और वह प्रारंभिक भूमिका नहीं है, बहुत आगे की भूमिका है। षष्टम गुण स्थान तक बुद्धि पूर्वक देव गुरु धर्म का अवलंबन यथा पदवी लेना पड़ता है और लेना ही पड़ेगा, इसका और कोई चारा नहीं है। यह तो चरणानुयोग की अपेक्षा का, करणानुयोग की बात हम नहीं करेंगे। तो
तो अशुभ विचारों में तन्मय नहीं होना और शुभ विचारों में भी सावधानी पूर्वक उसका परिचय करना। प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, ऐसा जब ध्यान करेंगे सही रूप से तो भगवान कहेंगे मैं तेरा नहीं हूं, मैं तो तेरे हृदय में हूं, मैं तो तेरा तेरे को प्रेरणा देने वाला हूं। मुझे भूल करके अपने को याद करेगा तब आत्मज्ञान होगा, मगर हम ऐसा कर नहीं पाएंगे, एकदम ऐसा कर नहीं पाएंगे। बहुत बार तो क्या कैसा करना, आप ये बात भी बोलते ये बाजू भी बोलते ये बाजू बोलते, ऐसा ही है। पहले के जमाने में गायना था, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी गरम नरम कभी नरम गरम, ऐसा। तो साधना में क्या करना है, उत्तम मुमुक्षु को भी और ज्ञानी को भी और मुनि को भी कभी तो परमात्मा का अवलंबन लेना और कभी निजात्मा का अवलंबन लेना, परमात्मा का अवलंबन लेना निजात्मा का अवलंबन लेना। मुमुक्षु एकदम ऐसा कर नहीं सकता, वो गुरु के वचन का अवलंबन लेगा। और गुरु के वचन क्या बताते हैं, निज भाव को बताते हैं, निज स्वरूप को बताते हैं और भी बहुत चीजें बताते हैं, चार भावना बताते हैं, तो चार भावना जीवन में लाना, 12 भावना बताते हैं उसको भी लाना, 9 तत्वों को बताते हैं उसको भी लाना पड़ेगा, और कभी कभी अपनी रुचि योग्यता क्षमता क्षयोपशम और पौरुष के अनुरूप 3 लोक का स्वरूप भी विचारना पड़ेगा और कर्म सिद्धांत का भी विचार करना पड़ेगा कि मोह का क्षय मैं नहीं कर सकता तो मोह का उपशम करूं, ये तो मोह के मैं मोह के अधीन हो गया, ऐसा अनेक प्रकार का चिंतन करना पड़ेगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी है। मिलिट्री में एनसीसी में जाते हैं तो फॉरवर्ड मार्च आगे कुछ ऐसा बोलते हैं तो क्या करेंगे, एक फिर दो, एक फिर दो, फिर एक, साहब मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता, मैं तो हुप हुप मैं तो नहीं चलेगा, उसको मार्च नहीं कहते हैं। दोनों साथ में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो कभी तो देवगुरु धर्म का और तत्व चिंतन का सहारा लेना पड़ेगा और कभी सहज ज्ञाता, सहज ज्ञाता कुछ चिंतन नहीं, ऐसा ज्ञायक भाव उसका अवलंबन लेना पड़ेगा, ऐसा जबान में आएगा। भाषा की मर्यादा है, शब्द की मर्यादा है, शब्द शब्दों में जब तक उलझता है तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा, मगर शब्दों में जो बताया जा रहा है ऐसा जो सहज ज्ञाता है उसकी ओर उपयोग ले जाएगा तब एक दिन आत्मा का आत्मा की झांकी हो सकती है, अनुभव का अंश प्रकट सकता है। शांत दशा तीन की पहचानी कर कर जोरी बनारसी वंदन, शांत दशा तीन की पहचान करे कर जोरी बनारसी वंदन। अगर कोई तथारूप आत्मजोग बने तो इस मनुष्य भव का मूल्य किसी रीत से न हो सके, ऐसा है। मानव भव की एक एक क्षण अमूल्य है, ऐसा कहते हैं।
इसलिए बोलते हैं तारी एक एक क्षण जाय लाखनी तो माला रे जपीले प्रभु नामनी बोलो एक एक क्षण जाय लाखनी तो माला रे जपीले प्रभु नामनी तारी एक एक क्षण जाय लाखनी तो माला रे जपीले प्रभु नामनी तारी एक एक क्षण जा लाखनी हम तो घंटों गप्पे में लगा देते हैं, घंटों क्या कई दिन प्रमाद में बिता देते हैं, हम बेहोश में प्रमाद में। वो मनुष्य भाव जागने के लिए भगवान ने बार बार हमको प्रेरणा दी, संतों ने भी जगाया है। जन्म जन्म के सोये अभागे जागत जागत जागेगा रंग लागत लागेगा भ्रम भागत भागेगा रंग लागत लागेगा भ्रम भागत भागत भागेगा। अमूल्य है, सभी आचार्यों ने महापुरुषों ने इस बात का जिक्र किया है। विचार की निर्मलता को लेकर के यह जीव अगर अन्य परिचय से निवृत्त सज में अभी ही उसको आत्मजोग प्रकट हो सकता है। सब तरफ से दिल हटा प्रभु के चरण में जोड़ दे, सब तरफ से दिल हटा गुरु के चरण में जोड़ दे, सब तरफ से दिल हटा निज नायक भाव में जोड़ दे। ऐसा करना है, हमको अच्छा नहीं लगता। बच्चे को जब नए नए बाल मंदिर में भेजते हैं, केजी में भेजते हैं, तो बच्चा बहुत चिल्लाता है और माँ को एकदम तूफान करता है, कभी कभी माँ की साड़ी फाड़ देता है, ऐसा ऐसा करता है। फिर भी माँ जानती है कि बच्चे को ऐसा थोड़े दिन होता है, माँ को बैठना भी पड़ता है, उसके क्लास में बैठना पड़ता है, कभी तो उसको इधर लेके बैठना पड़ता है, चलो मैं भी तेरे साथ बैठती हूँ, मैं भी तेरे साथ बैठती हूँ। फिर थोड़े दिन में उसको कुछ मित्र मिल जाते हैं, फिर वो टॉयज वगैरह में उसका मन लगता है, फिर उसको तुम इधर बैठो, इधर नहीं बैठो, इधर बैठो, तो मैं वहां बैठती हूँ, तुम इधर बैठो, देखो कतार में बैठो, लाइन में बैठो। और थोड़े दिन के बाद वो माँ 10 मिनट बैठ करके वो टीचर को कहती है, छुमंत्र हो जाती है माँ वहां से, बच्चा थोड़ा रोता है, फिर वो टॉयज में खिलौने में और दूसरे मित्र में और अपने टीचर से भी उसका लगाव हो जाता है, फिर इसकी थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलती है। हम भी बच्चे हैं, हमको भगवान अच्छे नहीं लगते, भगवान सच्चे भी नहीं लगते और अच्छे भी नहीं लगते। यहां तो सच्चे लगते हैं, मगर यहां ये तो तुम लगे जैसे अनपढ़ आदमी, जंगली आदमियों को ये भगवान भगवान क्या है, ये तो वन में रहते थे, ये थोड़े टीवी कंप्यूटर जानते थे, इनको थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान था, इसको 12 जबान थोड़ी आती थी। हम मूड अज्ञानी भगवान के ज्ञान को न जानते हैं और न मानते हैं, सही रूप से नहीं जानते, इसलिए मानते भी नहीं। तो भगवान को अपना स्वामी बनाना और फिर साथी बनाना और फिर हृदय मंदिर में बैठे भगवान को अपना साथी बनाना पड़ेगा।
जिन पद निज पद एकता भेद भाव नहीं काई लक्ष्य थवाने ते हनो कहा शास्त्र सुखदाई। इसको अभी चालू करते, इसको भेद ज्ञान। जगत के पदार्थ तो स्थूल रूप से पर है, ये शरीर भी पर है, और अवलंबन रूप जो परमात्मा सद्गुरुदेव और शास्त्र है वो भी तत्वतः निश्चय नहीं की दृष्टि से पर है, ऐसा है। तो यह आठवें अध्याय का प्रथम श्लोक है, शिखरिणी छंद है। क्षेत्री सूचि क्रकच पवन शेष का न्यूष यंत्र तुल्यापात कतक फलवत् ध्वंस पक्षि स्वभाव शस्त्री जायो स्वदिति सदृशा टंक वै शास्त्र बद्वा प्रगना यस्योद्भवति हि विदे तस्य चिद्रूपलब्धे प्रगना यस्योद्भवति हि विदे तस्य विचिद्रूपलब्धे। किसको शुद्ध आत्मा की, शुद्ध आत्म ज्ञान की, निश्चय रत्न त्रय की प्राप्ति होती है, इसका बयान भिन्न भिन्न दृष्टांतों से देते हैं। समस्त शास्त्र में इनकी यह एक विशेषता है कि जगत के मनुष्यों को जिसका परिचय है उन पदार्थों का दृष्टांत देकर के उनको समझाते हैं, यही ज्ञानियों की अनुभवी महापुरुषों की ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि हम लोग दुनिया के पदार्थों से ही परिचित है इसलिए हमको ऐसे दृष्टांत देते हैं। गुजराती है, छीणी सोय पवन करवत समट कोल अग्नि सीसा जेवे हंस पक्ष क्षीर ग्रहे भिन्न ज करे कथक निर्मल तेवे औषधि असि परशो छरि मंत दंड पदार्थ भिन्न करे तेम स्वपर भेद प्रगना निज वर्ते तो चिद स्वरूप वरे तेम स्वपर भेद प्रगना निज वर्ते तो चिद स्वरूप वरे। इतने दृष्टांत दिए हैं कि बात मत पूछो। त्यागी धर्मात्मा होने पर भी जगत के पदार्थों का भी उतना ही परिज्ञान होता है, मगर उसमें आसक्ति नहीं होती। बड़े बड़े आचार्य हो गए, हजारों लाखों श्लोक प्रमाण शास्त्र ज्ञान उनको कंठस्थ है, फिर भी वे कहते हैं कि हम तो नहीं जानते, हम अल्पज्ञ हैं। वीरसेन स्वामी धवला में ऐसा कहते, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। और आजकल के तथाकथित ज्ञानी पंडित वगैरह कहते हम तो बहुत बड़े ज्ञानी, उनको 10,000 श्लोक भी कंठस्थ नहीं है, और कहते हम तो बड़े ज्ञानी हैं। जितना ज्ञान होता है उतनी नम्रता होती है, जितना ज्ञान होता है इसका इतना पारमार्थिक विनय गुण होता है अंतर में। ज्ञान होने का यही तरीका है,
ज्ञान प्राप्ति जिसको करना है गुरुओं की, ज्ञानियों की, महापुरुषों की, विनय करने से ज्ञान का पावे उदा, ऐसा कहते पूजा में क्या बोलते हैं। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, शास्त्र की भी आवश्यकता है, मगर सिर्फ शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होने के लिए जीवन में विनय लाना, जीवन में क्षमा लाना, जीवन में संतोष लाना, जीवन में तप लाना, जीवन में ब्रह्मचर्य लाना, इस प्रकार का उद्यम करने से, पुरुषार्थ करने से क्रमशः ज्ञान आविर्भूत होता है। कौन सा ज्ञान? यहां आत्मज्ञान की बात करते हैं। ऐसे तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। राजचंद्र वचनामृत में आते, जिन वर कहे छे ज्ञान तेने सर्वभव्यो सांभळो। छैनी जिस प्रकार लोखंड के दो टुकड़े कर देती है, सोई जिस प्रकार कांटा को निकाल देती है, करव जिस प्रकार लकड़े को दो टुकड़े कर देती है, पवन जिस प्रकार धूल रज के ढग को छिन्न भिन्न कर देता है, सीसा जिस प्रकार सोने चांदी के मेल को दूर कर देता है, अग्नि जिस प्रकार सुवर्ण में से मैल को काट करके शुद्ध करता है, कोलू जिस प्रकार शेरड़ी के सांठे और रस दोनों को अलग अलग कर देता है, पानी जिस प्रकार वस्त्र बर्तन आदि के मैल को दूर कर देता है, कथकफल फटकड़ी जिस प्रकार पानी में लगे हुए मैल को कादव आदि को नीचे बिठा देता है और स्वच्छ जल को ऊपर कर देता है, हंस पक्षी जिस प्रकार अपनी चोंच के माध्यम से दूध और पानी दोनों को भिन्न भिन्न कर देता है, छरी जिस प्रकार पदार्थ को छेदन भेदन कर देती है, परशु जिस प्रकार से पदार्थ के टुकड़े टुकड़े कर डालता है, टांकण जिस प्रकार पत्थर में से सुंदर प्रतिमा का विविध उपमाओं से जान करके प्रगना रूपी सुविचारणा भेद ज्ञान आत्मा और अनात्मा को भिन्न भिन्न करता है, और देहादि और विभाव आदि इंद्रिय आदि श्वासोश्वास आदि संकल्प विकल्प आदि को दूर करके अपने शुद्ध सहज चैतन्य आत्म स्वरूप की लब्धि कराता है। ऐसे प्रज्ञावंत भेद ज्ञानी समस्त जगत के परद्रव्यों से अपने शुद्ध आत्मा का को भिन्न करके उसके अनुभव में जमते हैं, रमते हैं, डूबते हैं, आनंद मग्न हो जाते हैं। वर्तमान संतों ने भी उसका कुछ बयान किया है या ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, निश्चय नहीं से, इसलिए वहां ज्ञान को ज्ञायक समझना, ज्ञान गुण की पर्याय ऐसा नहीं समझना, ज्ञायक समझना। दूसरा आदि आदि लिखे, मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य,
ओ सहज ज्ञान घन स्वयं पूर्ण, ओ सत्य सहज आनंद धाम मैं सहजा नंद स्वरूपी हूँ, ओ सत्य सहज आनंद धाम मैं सहजानंद स्वरूपी, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ, मैं सहज ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं सहज ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसा बनना है, ऐसा होना है। वर्तमान में तो राग द्वेष करता है, शुभ शुभ भाव करता है, तो कठिन कार्य है। ज्ञान वैराग्य अभ्यास बार बार चिंतन मनन करते हैं, आत्मस्थापी समय सार्थक 181 और 185 185। इसी में से यह प्रेरणा ली है शास्त्रकार ने। एक ही लगता है, एक है नहीं, एक सा लगता है। मोहाशक्ति उन संस्कारों में बह जाने से ऐसा लगता है। देखो एक ही, देखो एक ही है, देखो एक ही है। दो एक से लगते हैं मगर दो एक नहीं है। एक तो पूर्व कर्म का उदय है और एक तो उसका जानन हारा है। एक तो पूर्व कर्म का उदय है और एक उसका जानन हारा है। बहुत सूक्ष्म है। अब ये जो शब्द निकलते हैं उसका आत्मा कर्ता नहीं है, यह आत्मा इस शब्द का कर्ता नहीं है। शब्द है वो पुद्गल रूप है और आत्मा के भाव स्वाध्याय करने के, आत्मा के भाव जो स्वाध्याय रूप हो रहे हैं उसका कर्ता आत्मा है, और जो शब्द आदि निकल रहे हैं वो आत्मा का उसका स्वामी नहीं हो सकता, तीन काल में नहीं हो सकता। अभी पैरालिसिस हो जाए तो ऐसा हो जाए। शब्द पुद्गल है और भाव करने वाला चैतन्य देव है। चैतन्य देव की ओर झुको, शब्द को गौण करो। बीच बीच में स्वाध्याय में दो वाक्य निकलते हैं, उस दो वाक्य के बीच में दो भावों के बीच में बड़ा कठिन कार्य है। दीर्घकालीन सदगुरु परमात्मा सत्शास्त्रों के गुरुगम पूर्वक के और सत्पात्रता सहित अभ्यास से जिसने ऐसी क्षमता प्रकट की है उसी को उसकी तत्वतः प्राप्ति हो सकती है। दूसरे तो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज के रूप में करे वो ठीक है, मगर गुरुगम को आगे रखे तो अपनी इंटेलेक्ट को पीछे रखना। गुरु ने ऐसा बताया है कि जो ये संकल्प विकल्प होते हैं
वो मैं नहीं हूं, उसका जानना हारा मैं हूं। मगर वो सब नहीं कर सकते। अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये शरीर हमारा नहीं है। हम तो कहते देखो हमारी मूछें देखिए कैसी है, अभी हमारे लड़के आएंगे देखना, हमारी गाड़ी आएगी देखना, ऐसे कहते ये हमारे सब शिष्य है, ये हमारे भक्त है। तो मूर्ख है, मूर्ख शिरोमणि है, मूर्ख तो नहीं है कि वो तो अबद्ध नौकर्म को अपना मान रहा, या बद्ध नौकर्म भी अपना नहीं। इसलिए आचार्य कहते हैं प्रगना क्षेत्री शीतेयम, इसे चकचकाट है, कथम अपि निपुण पातिता सावधान, सबका काम नहीं है इधर। उत्तम मुमुक्षु या ज्ञानी, और ज्यादा तो महामुनि सच्चे मुनि, आत्मज्ञान सहित जिन्होंने पहले कुछ अणुव्रतों का अभ्यास किया है और बाद में महाव्रतों का को सिद्ध किया है, व्रतों को भी जो विकल्प मानते हैं, ऐसा मुनीश्वर के 28 मूल गुण है भी, और मुनीश्वरों का एक ही मूल गुण है, उसको साम्य कहते हैं। ऐसा प्रवचन सार में भगवान ने कहा है, मुनि के विकल्प रूप में 28 मूल गुण है, वो है ठीक है, मगर मुनि का अध्यात्म में निश्चय में एक ही है। ऐसे श्रावण्य को अंगीकार करने के लिए आचार्य ने प्रवचन सार की 201वीं गाथा में आह्वान किया है, श्रमण है और समता नहीं है तो श्रमण नहीं है सच्चा, ठीक है ठीक है। समता के बिना श्रावण्य नहीं होता, और सामान्य चाहिए तो समता को बढ़ाओ, और समता को बढ़ाने के लिए अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आदि व्रत काय के लिए है, समता की वृद्धि के लिए, अष्ट प्रवचन माता काय के लिए है, समता की वृद्धि के लिए है। आचार्य को कहने पर कथम अपि, प्रवचन सार में इस समय सार में यहां कथम भी आगे कहा, और ये कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहल सन, ऐसा कहते आचार्य अहिंसा महाव्रत के धारण करने वाले कहते तू मर जा तो बाधा नहीं, मगर तू अपने स्वस्वरूप का परिज्ञान कर, मर जा तो कोई बात नहीं एक जिंदगी जाएगी, मगर एक दफा शुद्धात्मा का प्रागट्य हो जाएगा तो मुक्ति को जाना ही पड़ेगा, मोक्ष में तेरा निवास हो जाएगा, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो गया, संसार सीमित हो गया। बड़े शूरवीर है बिलासपुर के राजा थे, रायपुर है ना इसके नजदीक बिलासपुर है, उसके राजा थे अमृतचंद्र, ठक्कुर अमृतचंद्र थे, ऐसे प्रज्ञा क्षेणी है वो तो आगे लगाएंगे, अभी तो ये नक्की करो कि ये बंगला मेरा नहीं है, ये गाड़ी मेरी नहीं है, हाँ ये शेयर्स मेरे नहीं है, ये LIC की पॉलिसी मेरी नहीं है, अंदर में श्रद्धा करो। हो मम्मी को क्या कहा, लड़का मेरा नहीं तो किसका है, मां लड़का तेरा भले हो वो तो व्यवहार है, निश्चय से लड़का लड़की मां बाप गुरु शिष्य संस्था मंदिर कुछ भी अपना नहीं हो सकता,
विश्व में व्यवस्था ही नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी हो गए। भिन्नम भिन्नम ऐसा है पद्मनंदी में आया है। पद्मनंदी में आया इसलिए सच्चा ऐसा नहीं है, ऐसा है इसलिए पद्मनंदी में आया है। वो पद्मनंदी ने नहीं कहा, वो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। थोड़ा समाप्ति और सब नजीक आ गया। सोचना, तुम तो कहते हो भगवान जो कहे वो सच्चा, ऐसा नहीं हम कहते। जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा भगवान के ज्ञान में आया है, और जैसा उनके ज्ञान में आया ऐसा उसकी वाणी में आया है, क्योंकि उसकी वाणी प्रथम झीलने वाले भी गणधर चार ज्ञान के स्वामी थे बड़े। आजकल तो मतलब इनका आईक्यू कितना था, तेरा आईक्यू उधर है ही नहीं, वर्तमान में ऐसे होते ही नहीं। सातवीं आठवीं नौवीं शताब्दी के पीछे समाप्त हो गया। 1,00,000 श्लोक याद करने वाले भी वर्तमान में नहीं मिलते। विषयांतर नहीं होना, मगर इसका एहसास करने के लिए तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा करके आरा से पुस्तक 4 वॉल्यूम में प्रकट हुई है, उसको पढ़ना। भगवान महावीर की 2500वीं निर्वाण महोत्सव के समय बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है। करीब 3000 पृष्ठों में है। तो ऋषभदेव और जैन परंपरा को लेकर के वर्तमान में 100 साल के पहले के कवि संत धर्मात्मा जो भी हुए उनको इंक्लूड किया गया है। तो कहना यह है हमें, आज से ही हमें यह निर्णय करना, जब जब दुनिया की बातों में बोलते हैं कि यह हमारा बड़ा लड़का है, तो ये अंदर में जानना, शरीर मेरा नहीं तो बड़ा लड़का कहां से आया। बोलना पड़े वो एक सामाजिक व्यवहार है, और उस बोलते समय भी भाइयों को ख्याल रखना। नहीं, आपकी गाड़ी है तो आप क्या कहते, ये तो जीने वाली है, ऐसी तो 4 नहीं आ गई है अभी, ऐसा बोलते हैं। ऐसा पूछा नहीं था, उतना ही पूछा था कि ये गाड़ी तुम्हारी है तो कैसे कर बोलना, क्या करना, जवाब नहीं देना। बाहर से कहते हैं यस, अंदर से कहते हैं नो। माताओं को खास, लड़का तुम्हारा है, अरे ये तो छोटे वाला है, दूसरे 3 बड़े वाले हैं। अरे ऐसा मां तुमको कहां पूछा, तुमको तो इतना ही पूछा कि ये लड़का तुम्हारा है, इतना ही पूछा, हां बोलो नहीं तो ना बोलो, मगर इतने इतना है कि ये तो छोटे वाला है, इससे 3 बड़े वाले हैं, तो ये क्या बताता है, आसक्ति ज्यादा है, तुम नहीं जानती, मगर वो ज्ञानी जान लेते तुम्हारे तुम्हारे न बोलो तो तुम्हारे एक्सप्रेशन से वो जान लेते हैं कि तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। ऐसे ज्ञानी अंत मंगल के रूप में बोले, जिसने राग द्वेष सब जग जान लिया, सब जीवों का मोक्ष मार्ग का निष्प्रभ हो उपदेश, मुद्वे रज नहर हर ब्रह्म या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चेत उसे में। ये तो भगवान की बात हुई, अभी गुरु की भी बोल दो।
विषयों के आशा नहीं जिनके धन रखते हैं निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर स्वार्थ त्याग के कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं ऐसे ज्ञानी साध जगत के दुख समोह को हरते हैं ज्ञानी साध जगत के दुख समोह को हरते हैं परम कृपालों में त्रिलोकनाथ के सम संतन के आनंद आत्मा छो आत्मो सेवक छो सौमो मित्र छो हो आत्मा छो आत्मो सेवक छो सौमो मित्र छो हो आत्मा छो आत्मो सेवक छो सौमो मित्र छो